मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि सावन का महीना चल रहा है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि सावन के महीने में प्रदोष व्रत रखने से जल्द प्रसन्न होते हैं महादेव और मन चाहा फल देते हैं। तो दोस्तों, सनातन धर्म के पंचांग अनुसार प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर प्रदोष व्रत पड़ता है और साल में 24 प्रदोष व्रत आते हैं। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मन चाहे फल प्रदान करते हैं। प्रदोष व्रत को पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए महिला और पुरुष दोनों ही रखते हैं। देवों के देव महादेव को सावन और प्रदोष दोनों ही काफ़ी प्रिय हैं। इस बार सावन के महीने में 4 प्रदोष व्रत आने वाले हैं, 2 प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष के और 2 व्रत शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे। पहला प्रदोष व्रत 14 जुलाई को, दूसरा प्रदोष व्रत 30 जुलाई को, तीसरा प्रदोष व्रत 13 अगस्त को और चौथा प्रदोष व्रत 28 अगस्त 2023 को पड़ेगा। सावन के महीने में पड़ने वाले ये 4 प्रदोष व्रत शिव भक्तों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 19 साल पुरुषोत्तम मास आने से सावन 59 दिनों का होता है। इसलिए 19 साल बाद सावन के महीने में 4 प्रदोष व्रत एक बार में पड़े हैं। पंडित अरुणेश मिश्रा जी बताते हैं कि 19 साल बाद पुरुषोत्तम योग बनने के कारण सावन का महीना 59 दिन का आया है, इसलिए सावन के महीने में 4 प्रदोष व्रत पड़ेंगे। सावन का पहला प्रदोष व्रत 14 जुलाई 2023 को होगा, जिसमें शिव पूजा का समय रहेगा 7:21 से लेकर 9:24 तक प्रातः। सावन का दूसरा प्रदोष व्रत 30 जुलाई 2023 को पूजा का समय रहेगा 7:14 से 9:19 तक। सावन का तीसरा प्रदोष व्रत 13 अगस्त 2023 को रहेगा और शिव पूजा का समय रहने वाला है 7:03 से लेकर 9:12 तक। सावन का चौथा प्रदोष व्रत 28 अगस्त 2023 को और शिव पूजा का समय रहने वाला है 6:48 से 9:02 तक। इन 4 दिनों में भगवान शिव का व्रत और पूजन करने से दोगुने लाभ की प्राप्ति होगी और घर परिवार में सुख व समृद्धि होगी। दंपत्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो बोलो जय शिव शंभू। इसी के साथ समाप्त करता हूँ। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।